अहमदाबाद में आज भारत बंद का असर देखा गया, जहां कांग्रेसियों ने गांधी पार्क से एक जुलूस निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया। गांधी पार्क में सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुतला दहन करने से कांग्रेसियों को रोका। काफी जद्दोजहद और खींचातान के बाद पुलिस ने कांग्रेसियों के हाथ से पुतला छीन लिया। इस दौरान गांधी पार्क चौराहे पर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए और प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने कहा है कि 2019 में कांग्रेस उन्हें करारा जवाब देगी। तनाव की स्थिति को देखते हुए सुभाष चौराहे से लेकर सदर बाजार तक पुलिस के व्यापक बंदोबस्त दिखाई दिए गए हैं। साथ ही कई थाना सीओज को भी तैनात किया गया है। भारत बंद के आह्वान के बाद फिरोजाबाद में कांग्रेसियों ने बाजार बंद कराया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में महंगाई, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस मौके पर प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जनता त्राहि त्राहि कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को चेताया है कि वह सुधर जाए, अन्यथा 2019 के चुनाव में कांग्रेस उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। लूरदा लाला रायन और सुबूर अली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अतुल चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुतला दहन और जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे भारत में हर शहर हर जिले में आज भारत बंद आंदोलन का एक शुरुआत हुई है। ये शुरुआत बढ़ती हुई मोदी सरकार में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए अपराध, बलात्कार और महंगाई, राफेल जैसे बड़े मुद्दे जो जीवन में आज तक देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ नहीं, आज उसके विरोध में पूरे भारत में बंद का आह्वान है, जिसमें युवा कांग्रेस, जिला कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, सारी कमेटी, पूरे भारतवर्ष के AICC मेंबर, PCC मेंबर सभी मौजूद हैं। हमारी मांगे हैं कि जब से BJP की सरकार बनी है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 850 रुपये का सिलेंडर मिलने पर मजबूर है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता था कांग्रेस के शासन में, आज वही पेट्रोल 80 रुपये के दाम पे मिल रहा है। ये महंगाई आज गरीब आदमी को की कमर तोड़ने में एक बहुत बड़ा अपना अहम भूमिका निभा रही है। इस महंगाई के खिलाफ आज पूरे भारत बंद में हमें व्यापारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जी भाई साहब, प्रदर्शन किया है, किस तरह का प्रदर्शन है और क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारत की आम जनता की मांग को उठा रहे हैं। आज ये जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आर्थिक मोर्चे पे और हर मोर्चे पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि मिल सस्ता रहा है सरकार को। तो ये सरकार ने जनता को बेवकूफ बना के अत्याचार करने की ठानी है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि जागो और मोदी सरकार को जगाओ। मोदी सरकार जागे कि ये जो भारत की जनता इनके अत्याचारों से पीड़ित हो रही है, इसके लिए इनको राज्य नहीं दिया गया था। जनता को आराम मिले और नहीं तो इनको सरकार से हटना पड़ेगा। इस तरह की आज जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पे और सोनिया जी के निर्देशन में आज जो भारत बंद का आह्वान तो केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पे निरंतर बढ़ोतरी एवं जो है महंगाई के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। आज जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन सारे सिर्फ फिरोजाबाद में ही नहीं, पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। इस माध्यम से हम यहाँ के अपने व्यापारी भाइयों से भी अपील करेंगे कि इस महंगाई को देखते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान एक दिन के लिए बंद रखें। ये प्रदर्शन हमारा बंद सुबह 9 बजे से और दोपहर को 3 बजे तक का है। कहाँ तक आपकी यात्रा जा रही थी बंद कराने का? चौराहे से हम लोग यात्रा लेके चले हैं और यहाँ अपने छतों बीच के ऊपर पे SDM साहब आ गए और तो मतलब CO साहब आ गए, उनको हमने ज्ञापन दिया है। नहीं, क्या आपकी यात्रा रोकी गई? नहीं, यात्रा कोई नहीं रोकी गई, हमारा कार्यक्रम यहाँ ही तक था जहाँ पे हमने ज्ञापन दिया। ठीक।